Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 3rd March 2021. But before getting started, kindly subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So now, let's move on to the main news. Now the first news is about very good news. एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वैक्सीनेशन में इंक्लूड किया जाएगा. इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि जो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन है, द स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन इज गोइंग टू इंक्रीज. बिकॉज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी लिमिटेशंस होती है, द नंबर्स आर लिमिटेड, द स्टाफ्स आर लिमिटेड एंड द वर्क एफिशिएंसीज आर लिमिटेड. बट इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड द प्राइवेट प्लेयर्स, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट द लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड इन द प्रोवाइडेड वैक्सीनेशन रेंज. बट एज वी डिस्कस इन द अर्लियर एडिटोरियल, दैट वॉज कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने से नुकसान ये भी होता है कि गवर्नमेंट को यहाँ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी मेंटेन करना होगा कि ये ना हो कि जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रसूख है, दूसरे पावर इन्फ्लुएंसेस, उनको आराम से मिल जाए एंड द लोअर लेडन पीपल, जो लो क्लास पीपल हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, डेली एज वर्कर्स, बीपीएल कार्ड होल्डर्स, उनको साथ भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव या डिस्पैरिटी हो जाए, तो इसका मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट को रखना होगा. ये पिछले एडिटोरियल में हम देख चुके हैं. बट इस न्यूज़ का इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. अगर आपके भी घर में कोई 50 साल से ऊपर या कोमॉर्बिडिटी वाला व्यक्ति हो तो आप ज़रूर जाएँ, वैक्सीनेट लें, मास्क पहने और कोरोना से लड़ाई में साथ दें, देश का और दुनिया का. चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ. स्टूडेंट्स टू लैंड द हेल्पिंग हैंड टू द BSF. BSF जो रण ऑफ कच्छ और क्रीक एरिया, रण में क्या होता है, डेजर्ट है, और क्रीक में मार्शी लैंड यानी दलदल, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है दोनों ही. जो गुजरात के एरिया हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर जो है 50-50 डिग्री सेल्सियस पर बिना पानी के, बिना खाना के हमारे जवान खड़े रहते हैं, स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. तो उनका हेल्प करने वाली है स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें हमारे काम के लिए न्यूज़ ये चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है आई हब. ये आई हब एक गुजरात सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करती है. तो अगर आप GPSC क्लास 1 क्लास 2 दे रहे हैं तो इस न्यूज़ को खास नोट करिए कि आई हब क्या है. तो आई हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को या स्टार्टअप, स्टूडेंट रिलेटेड स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपना सक्सेस अचीव करे, और इस प्रोग्राम में आई हब ही हेल्प कर रहा है. अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ. ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें ये कहना चाह रहे हैं संजय बारू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र भी रह चुके हैं. इन्हीं के ऊपर एक पिक्चर आई थी, द अनटोल्ड स्टोरी, अगर आपने देखी होगी मनमोहन सिंह की बायोग्राफी पे, तो इन्होंने मनमोहन सिंह की बायोग्राफी भी लिखी हुई है. काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट्स और मीडिया पर्सन भी रह चुके हैं, तो इनकी बातों का काफ़ी वेट है. अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में ये क्या कहना चाह रहे हैं. नो व्हाट इज़ दिस आर्टिकल में, ही इज़ ट्राइंग टू इंक्लूड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दैट वन इज़ द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड अनदर इज़ द नॉलेज डिप्लोमेसी. नाउ फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड व्हाट इज़ हार्ड पावर डिप्लोमेसी. Soft power diplomacy is like, it is more on what increasing on the service and assistance, whereas the hard power diplomacy is more on the military focus. Mostly USA, European Union ki powers, pehle case mein Britain, France, they were all indulged in the hard power diplomacy. It includes the military arm twisting, zabardasti kisi se kuch kaam karwana, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर देकर काम करवाना, स्ट्रेटेजी को चैलेंज देकर काम करना. लेकिन इंडिया में जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द वैक्सीन मैत्री. वी हैव सेंट वैक्सीन टू द मालदीव्स, नियरबाई कंट्रीज, बांग्लादेश, सेशेल्स, फीजी, दिस लाइक ऑफ कंट्रीज, वी आर हेल्पिंग देम. सिमिलरली वी आर मेकिंग सम सार्क सैटेलाइट्स, अमेजोनिया वन रिसेंटली डेवलप्ड बाई आवर इसरो, ओके, डेवलप्ड बाई ब्राज़ील एंड लॉन्च्ड बाई इसरो. एंड सिमिलरली द कल्चरल एक्सचेंज, humanitarian assistance, what we are doing in Afghanistan. तो इस तरह की चीज़ों को soft power diplomacy कहते हैं. और ये क्या कहती हैं कि human to human contact, उस देश के लोगों का इस देश के लोगों के साथ contact करती है, बजाय उसके कि government to government contact के. और इसी वजह से एक goodwill gesture का development होता है जो एक country के प्रति वहाँ के लोगों में, वहाँ के citizen में एक goodwill को develop कराती है. And this is what is soft power diplomacy. यानी without using any kind of military assistance or arm twisting or strategic interest, we are just connecting to the people of one country to another country by heart and soul and making a good will. Okay, so इस power का use करके हम आत्मनिर्भर भारत में भी इसका use कर सकते हैं. कैसे use कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं.
कि इंडिया की नॉलेज इकोनॉमी क्या है। एक नया वर्ड आपने को देखने को मिला है कि इंडिया की नॉलेज इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज़ दिस नॉलेज इकोनॉमी? सो दिस इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म मीन्स इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बाईपास सर्जरी हो, लिवर प्लांट ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, बोन सर्जरी जयपुर में होती है, चेन्नई, ये सब सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ के बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर गिविंग द सर्विसेज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। नाउ मोस्टली द पीपल फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक डीसी LDC कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्रीज आर कमिंग टू इंडिया, इवन फ्रॉम द यूरोप अरब्स, ओके, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर गेटिंग बेटर फैसिलिटी एट एन अफोर्डेबल रेट। तो ये हमारी मेडिकल टूरिज्म है, ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सेकेंड इज द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन सेंट बाई इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। वो इंडियन जो बाहर काम करते हैं, बाहर किसी देश में काम करते हैं, उनका अपने घर चलाने के लिए जो पैसा भेजते हैं वो फॉरेन में, मोस्टली इन डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, सऊदी अरब में तो रियाल, ठीक है, इस तरह से भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है और उसी को रेमिटेंस कहते हैं। डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉट नॉलेज इकोनॉमी। अगर वहाँ उनको काम मिल रहा है तो डैट इज़ बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल। सो सेकंड थिंग इज सर्विस एक्सपोर्ट। व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग नाउ, इंडिया इज़ द हेड इन सर्विस सेक्टर, ऑल द सॉफ्टवेयर, IT एनेबल्ड सर्विसेज, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडिया इज़ कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट वी ऑल नो। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन। नाउ व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन? जेनेरिक मेडिसिन इज अ मेडिसिन दैट इज़ हैविंग लो पेटेंट, जिनका पेटेंट ख़त्म होने के बाद जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी रेट जो है मार्केट रेट से बहुत चीप होती है, और इसीलिए इंडियन मेडिसिन की बहुत डिमांड भी है ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड ड्यू टू देयर अफोर्डेबिलिटी। सिमिलरली द स्पेस, इसरो, तो वहीं सिर्फ स्पेस डिप्लोमेसी का पार्ट है। देन योगा, आयुर्वेद, इम्यूनिटी बूस्टर, इन तरह की चीज़ों से ही हमारी नॉलेज की इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। सो द रिलेशन विथ नॉलेज एंड इकोनॉमी इज़ नॉट नॉलेज इकोनॉमी। और इसी का यूज़ करके जो प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोग्राम है, दैट वी आर गोइंग टू अचीव इट। तो पहले इंडिया का नॉलेज 1960s से लेकर 70s, इवन 90s तक हम कितने आगे थे, हमारा नॉलेज कहाँ था, उसके बारे में ग्लिम्स ही है ऑथर हमें संजय बारू जी दे रहे हैं। हाउ इंडिया वंस वाज़ अ नॉलेज पिनाकल। नॉलेज पिनाकल मीन्स एट द टॉप ऑफ द नॉलेज। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम एशिया, अफ्रीका यूज टू कम एंड टू स्टडी द पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशली इन फिलोसफी, मेडिकल साइंसेस, ओके, गवर्नेंस, प्लानिंग, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इंडिया हैड एन एक्सपर्टीज इन हाई डिमांड इन फूड, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो US में है, जो खाने की चीज़ों को, फर्टिलाइजर्स को, केमिकल्स को, जो खाने की चीज़ों में यूज़ होती है उनको स्टैंडर्डाइजेशन करती है, यही चीज़। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन एक्सपर्ट्स की बहुत डिमांड थी। एंड UN की जितनी भी डेवलपमेंट हो, UNCTAD हो, NTIDO हो, इन सब में भी इंडियंस वेयर एट वेरी हाई डिमांड। बट नाउ वील सी वॉट एक्चुअली हैपेंड दैट आवर नॉलेज डिक्लाइंड इन द कमिंग डेज। सो वॉट वेंट रॉन्ग? Nothing went wrong. It was a license quota raj. We know that India had a mixed economy, that is mix of capitalism as well as socialism. But what happened after this era with an alliance with the Soviet Union, our economy shifted towards more to the socialism, and socialism induces state controlled economy. ऐसी economy जिस पे state का control होता है हद से ज़्यादा, और इसी वजह से क्या होता है, किसी भी चीज़ के manufacturing, production, selling, import, export करने के लिए आपको government से process लेना पड़ता है, license लेना पड़ता है। और जैसे ही ये process सामने आता है तो बीच में कौन आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं हमारे bureaucrats। और bureaucrats एक फाइल से दूसरे फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल में अंडर टेबल काम करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, फलाना ढिमकाना। एंड दैट इज़ वाई वॉट हैपन्स कि द प्रोसेस गेट स्लो, और लोग वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट वेयर, जहाँ पर उनको इजीली लाइसेंस मिल जाए, इजीली प्रोड्यूस कर सके और इजीली बेच सके। तो ये जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो आ रहे थे वो आने बंद हो गए, और इवन जो घर के इन्वेस्टमेंट थे वो बाहर की जगह लगने लग गए, ठीक है। सो डीप इन मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम होगी। उसी सेम टाइम पर चाइना ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को खोल कर रख दिया, जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता तो है लेकिन वो एक्चुअली में स्टेट कैपिटलिस्ट कंट्री, मींस कि वे व्यापार तो करेंगे, बिजनेस तो होगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट करेगा, लोकल लोगों को वहाँ व्यापार करने की छूट नहीं है। और स्टेट ने अपने बिहाफ पे पूरी इकोनॉमी खोल दी, मार्केट खोल कर रख दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को आने दिया, ज़मीन को भाड़े पर दिया, एंड ही कम्प्लीटली लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। एंड दैट इज़ वाई एट द सेम टाइम जब हम सोशलिज्म थे आइडियल में,
चाइना वर फॉलोइंग द स्टेट कैपिटलिज्म एंड दैट इज़ वाई इट ग्रू टू वास्ट। आप देखेंगे कि कैसे 1960-70 से वो एक फास्ट जंप लेता है और आज हमसे आगे आकर खड़ा है, ठीक है। और क्या क्या रॉन्ग हुआ, तो ब्रेन ड्रेन, जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बहुत सारे कारण थे, ठीक है, लाइसेंस कोटा राज हो या इवन रिजर्वेशन हो, द दोज पीपल हु वर टैलेंटेड हु वाज डिजर्विंग वर नॉट गेटिंग द चांसेस एंड दैट इज़ वाई दे वेंट टू द गुड कंट्रीज लाइक USA, UK, वेयर देयर एफिशिएंसी, वेयर देयर नॉलेज, वेयर देयर स्किल्स वाज बीइंग रिगार्डेड विद प्रॉपर रेमुनरेंसेस, यानी उनके पैसे की, उनकी एफिशिएंसी की, उनको बराबर पैसे मिल रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब आपको आपके काम की वैल्यू मिलेगी, आप वहीं जाकर काम करेंगे। एंड सेकेंडली द इमर्जेंस ऑफ चाइना। ओके, नाउ वॉट, अब क्या हमें करने की ज़रूरत है, तो वी नीड टू फोकस मोर ऑन विच, हायर एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। सो अगर इन तीन चीज़ों पर हम फिर से काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आई है, अगर उसको हमने सही से लागू किया, तो आने वाले 10-15 सालों में वी विल अगेन एट द टॉप ऑफ द नॉलेज पिनाकल, बिकॉज इंडियंस हैविंग स्किल्स, नो डाउट इन दैट, बिकॉज वॉट एवर इंडियंस आर मूविंग अब्रॉड, दे आर हेड ऑफ गूगल CEO, फेसबुक CEO, ओके, दिस काइंड ऑफ पीपल्स, इवन द मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग डॉक्टर्स, इवन पॉलिटिशियंस ऑल्सो, कमला हैरिस। सो इंडियंस आर हैविंग स्किल्स, बट वॉट दे नीड इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड वेन वी आर गोइंग टू गिव दम अपॉर्चुनिटी, वी विल गेन टू राइज टू अगेन इन टू पावर। सो दिस वॉज द बेसिक आर्टिकल, यू कैन यूज इट इन GS पेपर 1, SA पेपर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द सेकेंड टॉपिक इज द कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिसेंट राइट टू रिपेयर आर्टिकल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली डिसाइडिंग ऑन देयर इकोनॉमी एंड काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है। इस तरह का यूरोपियन यूनियन है, एंड उस यूरोपियन यूनियन ने अभी एक राइट टू रिपेयर एक कानून पास किया है। उसमें यह बात किया है कि द सप्लाई ऑफ द स्पेयर पार्ट, दैट इज दोज कंपनीज आर हैविंग टू और विल बी बाइंडिंग टू सप्लाई द स्पेयर पार्ट्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। दैट मीन्स अगर कोई कंपनी एक मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो उसके रिलेटेड IC, चार्जर, चिप, अलग स्क्रीन गार्ड हो गया, जो भी चीज़ है, जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स है, उनका अगले 10 साल तक मार्केट में अवेलेबिलिटी बनी रहे, वो उनको इंश्योर करना होगा। इससे क्या होता था, इससे होता ये था कि अगर वो आपने चीप क्वालिटी का एक मोबाइल बना दिया और एक साल चला, फिर इसके बाद आपको दूसरा लेना पड़ जाएगा, तो कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से उनके स्पेयर पार्ट, अगर कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट भी ख़राब हो गया, अगर छोटा सा चार्जर भी ख़राब हो गया, तो आपको पूरा नया मोबाइल लेना पड़ेगा। एंड दैट इज़ उसको ध्यान में रखते हुए राइट टू रिपेयर जैसी पॉलिसी को उन्होंने लागू किया। लेकिन ऑथर ये कह रहे हैं कि आपने ये पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन आइडियोलॉजिकल चेंजेस कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, वी आर ऑब्सेस्ड विद कंज्यूमरिज्म, ठीक है। आवर परचेजिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, नेबर एंड नेबरहुड, सामने वाला या पड़ोसी क्या खरीद रहा है वो देखकर हम खरीदी करते हैं, ठीक है। टू मार्केट द इन्फ्लुएंस, कि भाई मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से अच्छी है, मैं नई गाड़ी लूँगा, तूने नई गाड़ी ली तो मैं तुझसे भी नई गाड़ी लूँगा। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, दैट इज़ ऑब्सेशन ऑफ न्यू एंड शाइनी, इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म करिएगा, क्योंकि इसी यही चीज़, ये जो ऑब्सेशन है, दैट फोर्सेस द कंपनी टू प्रोड्यूस न्यू एवरी ईयर। हमको हर साल एक नया फ़ोन चाहिए, एक नई गाड़ी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग व्हाट, इट इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंटल ई वेस्टेस। इफ़ यू आर गेटिंग अ न्यू मोबाइल एवरी ईयर, नाउ द ओल्ड मोबाइल इज़ गोइंग टू व्हाट, गेटिंग वेस्ट, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग ई वेस्ट, विच इज़ actually degrading the environment as well as loss of money of the people. Our savings are going to consumerism. So we are becoming consumer in order to get investment. We are not making investment, especially the developing countries. They are low in investment, but what they are doing is they are more driven toward the consumerism. अच्छे अच्छे ad, अच्छे अच्छे brand, अगल बगल में क्या देख कर हम चीज़ों को खरीदने लगते हैं, और वजह से क्या होता है, उसी वजह से हमारी market economy जो है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो sustainability है, that is going to down, our investment is going to down, and that is why our economy is not performing as it should have been performing. Okay, so these were the reasons, these were the background. So author is actually kind of a sarcastic kataks de raha hai ki aapne ye law to la diya, lekin logon ki vichar mein kis tarah se parivartan karenge. Next is very important article about the citizen budget. It basically talks about the urban local bodies. Hum states और सेंट्रल यूनियन के बजट को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या क्या स्कीम आई, कितने कितने पैसे में, लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, उनके बजट पे कोई डिस्कशन नहीं होता, और पब्लिक पे उतनी चर्चा भी नहीं होती, जिससे क्या होता है कि पब्लिक स्क्रूटनी, देर इज़ नो पब्लिक स्क्रूटनी ऑन दीज बजट्स, एंड दैट इज़ वाई देयर अकाउंटेबिलिटी इज़ लॉस्ट। उनको पता है कि कोई देखने वाले नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो जो मन में वो करते हैं,
कोई काम नहीं करते हैं, आइडियली बैठे रहते हैं। तो कायदे से एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबसे तो लोअर लेवल की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल इज वॉट द पंचायत द लोकल बॉडी एंड दे शुड फंक्शन वेल एंड वेन दे विल फंक्शन वेल द लेजिस्लेचर विल फंक्शन वेल एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट विल फंक्शन वेल। बट हमारे देश में क्या होता है, उल्टा होता है, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा काम करती है, उससे खराब काम करती है लेजिस्लेचर, और अर्बन लोकल बॉडी तो काम ही नहीं करती है। तो इस चीज़ को हमको सुधारने की ज़रूरत है। जबकि इसने बताया कि 1.5 लाख करोड़ अगर सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिला देंगे तो एक बड़ा अमाउंट 1.5 लाख करोड़ रुपए का उनका टोटल बजट होता है, बट फिर भी उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि उन पर कोई ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होती नहीं है और पब्लिक में कोई डिस्कशन आता नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि स्ट्रीट रोड्स हो, सिटी रोड्स हो, वाटर हो, सैनिटेशन हो, गार्बेज कनेक्शन मैनेजमेंट, अदर एमिनिटीज़ लाइक पार्किंग, पार्क बनाते हैं, पार्किंग बनाते हैं, ठीक है। इवन सम स्टेट्स में दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। तो इस तरह की चीज़ों बनाने का जिम्मा एक्चुअली में अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास है, लेकिन उनकी स्क्रूटनी ही नहीं हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट में मीडिया में आ ही नहीं रही, मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। हम बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसको क्या मिला, पेट्रोल सस्ता हो गया या नहीं, आलू महंगा हो गया, बट वी आर नॉट मोर फोकसिंग ऑन द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट इज़ वाई वी आर फेलिंग द वेरी पर्पज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस एंड वी शुड ऑल्सो आस्क अवर लोकल काउंसिलर्स, लोकल कॉरपोरेटर्स अबाउट द स्कीम्स विच आर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड एंड देयर अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर एथिक्स। अगर एथिक्स का पेपर हो या वुमेन एम्पावरमेंट का पेपर हो, वुमेन इश्यूज़ का पेपर हो, सोशल इश्यूज़ का पेपर हो, यहाँ पर इस आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स को हम कोट कर सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया था, या एक जज ने कमेंट किया था कि वेन अ ब्यूरोक्रेट हु इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ही एक्चुअली अब्यूज्ड अ चाइल्ड वेन ही वॉज अब्यूज्ड अ गर्ल वेन ही वॉज अ वन शी वॉज अ चाइल्ड एंड शी वॉज ऑल्सो बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ रिलेटिव। सो ही वॉज हिज रिलेटिव एंड शी वॉज अब्यूज्ड एट द वेरी यंग एज। सो द सुप्रीम कोर्ट कमेंटेड और आस्क्ड इन अ फेवर लाइक आर यू गोइंग टू मैरी इट, सो वट इज़ द मैरिंग द कल्प्रिट इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन ऑफ अ रेप विक्टिम और अ फिजिकली हैरेस्ड विक्टिम, दैट वील सी। सो रेप इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। वट डू मीन बाई दिस वर्ड नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल मीन्स इसका सेटलमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी में हम बाहर कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस में हमने वापस ले लिया, माफ़ी मांग ली, सेटल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से और भी केसेस होते हैं, लॉ सूट्स हो गया, वहाँ हम सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेप इज़ नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसके बदले में कोई माफ़ी मांग के छूट नहीं सकता है, इसका कोई किस तरह से आप इसकी कीमत चुका ही नहीं जा सकती। सो इट इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड दैट इज़ वाई व्हेन द गवर्नमेंट बॉडीज और जुडिशरी एंड इवन सम ट्राइब्यूनल्स लाइक ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, दे आर प्रपोजिंग मैरिज एज अ सेटलमेंट। सो इट कैन नॉट बी सेटलमेंट। हाउ कैन समवन मैरी अ पर्सन who has actually committed a physical crime against her? So this is against the human rights and this is what? The showing the misogyny, that is patriarchy in the society. ठीक है, it is showing a disaffection toward the woman and the woman rights and they are lower in the strata. So this is the misogyny. ये समाज की misogyny को represent करता है कि हम महिलाओं के प्रति भेदभाव रखते हैं और एक पुरुष सत्ताक विचार हमारे अंदर है कि महिलाओं को हमेशा नीचे ही रहना चाहिए और पुरुष हमेशा ऊपर रहेंगे। और इसी विचार का एक कारण है कि हम उसी व्यक्ति से उसको मैरिज करने का प्रपोजल देते हैं। आपने एक मूवी में देखी होगी, बुलंदी मूवी, एट द सेम डिसीजन होता है व्हेन समवन इज अटेम्प्टिंग रेप ऑन दैट गर्ल एंड ही इज बीइंग फोर्स्ड टू मैरिज सेम। बट व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर? ओके, दैट गर्ल और दैट वुमेन विल हैव टू लिव विद द सेम मैन फॉर होल ऑफ द लाइफ एंड व्हाट इज ही गोइंग टू बी अ गुड लाइफ? नो, नॉट एट ऑल। शी इज गोइंग टू बी अब्यूज्ड एट द होम, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज। नाउ हु इज गोइंग टू रिपोर्ट दिस? So actually when we are making such statements and comments, and if these comments are coming from the highest level of judiciary, we should think about our moral and ethical thinking. So this is a very important question of ethics and also our social life. तो हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब हम कमेंट करते हैं ऐसी चीज़ें तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज के आर्टिकल्स, कल फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।